स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर 4 द ग्रास हाउस। द ग्रास हाउस, घास का घर, ये कैसा हो सकता है? द ग्रास हाउस, देखिए इसे, इस पोएम को लिखा है ने श्रीली हग्स। द पोएट इज श्रीली हग्स। द पोएम इज द ग्रास हाउस। पहले मैं रीडिंग कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। द ग्रास हाउस इज माई प्राइवेट प्लेस। नो बडी कैन सी मी इन द ग्रास हाउस। फेदरी प्लम्स मीट ओवर माई हेड। डाउन हियर इन द ग्रीन देयर आर सीड्स, वीड्स, स्टॉक्स, पॉट्स एंड टिनी लिटिल फ्लावर्स। ओनली द कैट एंड सम बिजी हरिंग एंट्स नो वेयर माई ग्रास हाउस इज। द ग्रास हाउस इज माई प्राइवेट प्लेस। देखिए बच्चों, हर एक बच्चा कुछ ऐसा चाहता है कि जहाँ वो अपनी मर्जी से खेल सके, खुद का कुछ मर्जी में कर सके। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा है, उसे घास बहुत पसंद है। द ग्रास हाउस इज माई प्राइवेट प्लेस। प्राइवेट प्लेस का मतलब जहाँ वो अकेला रहे और उसे जो मन चाहे, खेलना चाहे, जो भी करना चाहे वो करे। द ग्रास हाउस इज माई प्राइवेट प्लेस। Nobody can see me in the grass house. The grass house is my private place. Nobody can see me in the grass house. Grass house एक ऐसी जगह है जो मेरा private place है। Nobody can see me. कोई भी मुझे देख नहीं सकता। In the grass house. Feathery plums meet over my head. Feathery plums. Feathery plum means ब्लेड्स ऑफ ग्रास सॉफ्ट लाइक फेदर्स। जो घास होते हैं, लंबे लंबे घास, ऊपर के हिस्सा वो नरम होता है, हिलते रहते हैं, उसे फेदरी प्लम्स बोलते हैं। जो फेदर की तरह सॉफ्ट होता है, फेदरी प्लम्स मीट ओवर माई हेड। जब मैं लेटता हूँ, वो जो घास के ऊपरी भाग होते हैं मेरे सिर पर लगते हैं। डाउन हीयर, नीचे क्या होता है? जब मैं लेटता हूँ, डाउन हीयर इन द ग्रीन देयर आर वीड्स, सीड्स वीड्स, स्टॉक स्पॉट्स एंड टिनी लिटिल फ्लावर्स। जब मैं नीचे लेटता हूँ तो क्या देखता हूँ? उस ग्रास हाउस में क्या है? इन द ग्रास हाउस देयर आर सीड्स, बीज, सीड्स होते हैं जो बीज बोलते हैं। वीड्स, वीड्स मीन्स वाइल्ड प्लांट्स, घास फूस जो होते हैं। स्टॉक्स, स्टॉक्स इसे बोलते हैं जिससे फ्लावर्स एंड लीव्स लगे रहते हैं, उसे स्टॉक्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं उसे स्टॉक्स बोलते हैं। एंड पॉट्स, जहाँ बीज रहते हैं उसे पॉट्स बोलते हैं। जिसके अंदर बीज रहता है उसे पॉट्स बोलते हैं। एंड टिनी लिटिल फ्लावर्स, एंड छोटे छोटे फूल खिलते हैं जब मैं लेटता हूँ। ओनली द कैट एंड सम बिजी हरिंग एंट्स, वहाँ कौन रहता है? ओनली द एंट, सिर्फ एक बिल्ली। ओनली द एंट्स एंड सम बिजी हरिंग एंट्स। बिजी हरिंग एंट्स, जो छोटे छोटे चींटियाँ होते हैं, एंट्स, वो लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि चींटियाँ कभी रुकते नहीं, इसलिए बिजी हरिंग एंट्स। नो वेयर माई ग्रास हाउस इज, क्या तुम्हें पता है मेरा ग्रास हाउस कहाँ है? फिर से एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द ग्रास हाउस इज माई प्राइवेट प्लेस। Nobody can see me in the grass house. Feathery plums meet over my head. Down here
इन द ग्रीन देयर आर सीड्स वीड्स स्टॉक्स पर्ट्स एंड टिनी लिटिल फ्लावर्स ओनली द कैट एंड सम बिजी हरिंग एंट्स नो वेयर माई ग्रास हाउस इज क्या तुम्हें पता है मेरा ग्रास हाउस कहाँ है डो यू हैव ए प्राइवेट प्लेस क्या तुम्हारा एक प्राइवेट प्लेस है डो यू हैव ए प्राइवेट प्लेस टेल योर पार्टनर इफ यू हैव एनी किसी का प्राइवेट प्लेस उसका कमरा हो सकता है या फिर उस बच्चे की तरह गार्डन हो सकता है ऐसे ही प्राइवेट प्लेस होते हैं देन लेट्स टॉक द डैश फिलअप्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द टू सी द पोएम पोएम को देखकर आपको डैश फिलअप करना है द डैश इज माई प्राइवेट प्लेस उस बच्चे का प्राइवेट प्लेस क्या था द डैश इज माई प्राइवेट प्लेस आपका तो प्राइवेट प्लेस क्या है आप लिखेंगे मैं उस बच्चे का प्राइवेट प्लेस क्या है वो लिख देती हूँ द ग्रास हाउस इज माई प्राइवेट प्लेस द ग्रास हाउस इज माई प्राइवेट प्लेस नो बडी कैन सी मी इन द ग्रास हाउस नो बडी कैन सी मी इन द ग्रास हाउस ओनली द कैट एंड सम बिजी हॉरिंग एंट्स ओनली द कैट एंड सम बिजी हॉरिंग एंट्स नो वेयर माई ग्रास हाउस इज नो वेयर माई ग्रास हाउस इज नेम द डिफरेंट थिंग्स इन योर प्राइवेट प्लेस आपके प्राइवेट प्लेस में क्या क्या है आपको इस बॉक्स में लिखना है अगर आपका प्राइवेट प्लेस आपका कमरा है तो आपके कमरे में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ये सब इस डैश में भरना है आपका बुक बेड आपका पिलो ये सब आपको लिखना है आज का ये द ग्रास हाउस कंप्लीट एंड आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है